एक हमारे साथी हैं जनाब शमशेर राही साहब, जो आसिम भाई का ऑफिस संभालते हैं और वो वहाँ की जिम्मेदारियां संभालते हैं। जाहिर है कि उनका जी चाह रहा है कि वो दो शेर आसिम भाई के लिए पढ़े, तो मैं उन्हें इस वक्त माइक पे बुला रहा हूँ, शमशेर राही साहब को। हजरत, जिंदगी में पहली बार कायदे मिल्लत के सामने पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ शेर नजर कर रहा हूँ, शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ आज के हालात के मुताबिक। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत। वाह 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 वाह। जो मुझको रोके, उसके सजदों। शुक्रिया। वाह 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 वाह। अब आप देख लीजिए, आसिम भाई के ऑफिस में शायर प्रोडक्शन यूनिट भी शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा मामला है, महाराज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। क्या कहना हुआ? और जैसे आपके बीच कायदे मिल्लत अबू आसिम साहब ने फरमाया कि इंसाफ आज कहाँ है, बस शेर नजर कर रहा हूं समाप्त फरमाया कि अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बे सजा को सजा मिल रही है। वाह। कि अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बे सजा को सजा मिल रही है, बे सजा को सजा मिल रही है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई। वाह 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 वाह। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। और ये आखिरी शेर में मदद चाहता हूं जी, इरशाद कि कि जो मुकाबिल में आते हैं तेरे, ये तुझसा जज्बा कहां से वो लाए। क्या कहना? वाह। कि जो मुकाबिल में आते हैं तेरे, तुझसा जज्बा कहां से वो लाए। और बात सच है सियासत में आसिम, वाह। बात सच है सियासत में आसिम,